everyone, welcome back to my YouTube channel, this side Priya Singh, and मेरे channel पे चल रही है teenager series. तो अगर आपने already मेरी दो videos नहीं देखी है related to teenager problem, तो आपको उसके links description box में मिल जाएंगे, आप easily जाके checkout कर सकते हो. तो आज के video का topic होने वाला है बहुत ही ज़्यादा most common problem, that is blackheads and whiteheads. तो आज के video में मैं आपको detail में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने blackheads को, whiteheads को remove कर सकते हो, वो भी naturally at home. ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत सारी रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ, बट आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है, जो आई थिंक आप सब लोग घर पे बहुत ईजिली कर सकते हो. नॉट ओनली टीनेजर्स, बट अगर आप एडल्ट भी हो तब भी यूज़ कर सकते हो, बट टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ होने वाली है. सो इफ़ यू आर अबव 15 ईयर्स, तो आप ये रेमेडी विदाउट एनी डर के फॉलो अप कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम परमानेंटली तो रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसे वीकली आपको हर टाइम रिमूव करना ही पड़ेगा. बट अगर आपने लाइक स्किन केयर रिजाइन प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, तो मैंने यहाँ पर एक आईबॉल पे डाल दिया है, वहाँ जाकर आप मेरी टीनेजर स्किन केयर रूटीन देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप्स में आपके साथ एक टीनेजर स्किन केयर रूटीन शेयर किया है. तो आप लोग प्लीज़ जाके उसे चेकआउट करना, एंड आज की DIY रेमेडी को पक्का से फॉलो करना. स्टीमिंग के लिए आपको एक हैंड टॉवल चाहिए, उसे हॉट वाटर में डिप करके एक्सेसिव वाटर को आपको स्क्वीज आउट कर लेना है. एंड देन इस हैंड टॉवल की हेल्प से आपको अपने पूरे नोज एरिया पे एंड अपने चिन एरिया पे, जहाँ पर भी आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको स्टीम लेना है फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes. स्टीमिंग से आपके जितने भी पोर्स हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, आपकी स्किन वहाँ की लूजन एंड सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्किन में जितनी भी डर्ट का बिल्डअप होता है वो ईजली क्लेंज आउट हो जाता है. एंड साथ ही साथ ये आपके ब्लैक हेड्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके ब्लैक हेड्स बहुत ही ईजली सकआउट हो पाएंगे जो आप फर्दर स्टेप्स करोगे. तो मैंने यहाँ पर एटलीस्ट 2 मिनट तक स्टीम लिया है अपने पूरे नोज एरिया पे एंड चिन एरिया पे. सबसे पहले आपको एक ब्रश चाहिए, एंड बोल में यहाँ पे मैंने एग योक ले रखा है. नाउ इस ब्रश में एग योक को डिप करके उसको मैं अपने पूरे नोज एरिया पे एंड अपने चिन एरिया पे लेयर बाय लेयर करके अप्लाई करूँगी. आपको एटलीस्ट 3 लेयर अप्लाई करना है एग योक का. एग योक बेसिकली एग का जो वाइट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, तो आपको सिर्फ वो लेना है, येल्लो पार्ट नहीं लेना है. एंड देन एक आपको टिश्यू पेपर लेना है या फिर तो वाइट पेपर लेके अपने पूरे नोज़ एरिया पे अप्लाई कर लेना है. एंड देन उस पेपर के ऊपर अगेन आपको एग योक पेंट करना है, जिसकी वजह से ये पेपर होगा या फिर टिश्यू पेपर होगा वो आपकी नोज़ एरिया पे एंड चिन एरिया पे काफ़ी अच्छे तरीके से चिपक जाएगा, एंड आपके जितनी भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होंगे वो ईजली इसके थ्रू निकल जाएंगे. मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाइट पेपर लिया है, आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हो, टिश्यू पेपर से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो रिमूव होगा. नाउ इसे 15 मिनट्स के लिए प्रॉपरली ड्राई होने दें. ड्राई होने के बाद आपको टिश्यू पेपर को या फिर तो पेपर को एक झटके में रिमूव कर देना है, सो दैट कि आपके जितनी भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वो थॉरली रिमूव हो जाए. मैं अपने पूरे नोज़ एरिया से भी रिमूव करूँगी. एग वाइट आपके स्किन के पोर्स को टाइटन अप भी करेगा, एंड एट द सेम टाइम ये आपके ब्लैक हेड्स को भी रिमूवल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. तो आप डेफिनेटली ये वाली ट्रिक पक्का से ट्राई करना. एंड यहाँ पर मेरे सारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव हो गए हैं, मैं इसे पानी से वॉश कर लूँगी. एंड वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, एंड जितने भी वाइट हेड्स थे वो थॉरली मेरी स्किन से रिमूव हो गए. सर, टोनिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो क्यूकम्बर टोनर. ये एक पोर टाइटनिंग टोनर है जो आपकी पोर्स को टाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. आपको जस्ट एक कॉटन बॉल में थोड़ा सा टोनर लेना है एंड अपने पूरे नोज़ एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है.
क्योंकि ये आपके पोर्स को टाइटन अप करके रखता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स आपकी स्किन में जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ना कि एक्यूमुलेट होते हैं। आपको ये टोनर को दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है, जितने बार भी आप अपने फेस को वॉश करो, सो दैट कि आपके पोर्स टाइटन अप हो जाएं एंड आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिमूव हो जाएं। ये आपके पोर्स को तो टाइटन अप करेगा ही करेगा एंड एट द सेम टाइम आपके फेस पे एक बहुत ही पिंकिश ग्लो भी लेके आता है। मॉइस्चराइजिंग के लिए यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का पपाया लाइट जेल क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करना है, आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, क्योंकि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपके पोर्स को क्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम एक्यूमुलेट होती रहती है। वही मैंने यहाँ पर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, जो जिसमें पपाया है एंड पपाये में ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके अपीयरेंस को और ज़्यादा लाइटन अप करती हैं, आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती हैं एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल एंड रेडियंट बनाने में हेल्पफुल होती है। तो इसे मैं मसाज करते हुए अपनी स्किन पे अप्लाई कर लूँगी एंड यू विल डेफिनेटली सी कि आपके 2-3 यूसेज में आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव होते रहेंगे। सो दैट्स फॉर ऑल गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो एंड आपको ये मेरी पूरी टीनेजर सीरीज भी बहुत अमेजिंग लग रही हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ऑल्सो मुझे कॉमेंट में बताओ और कौन कौन सी आपको वीडियोज देखनी है रिलेटेड टू टीनेजर प्रॉब्लम। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।